पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पंचायत भवन में चल रही मंडल स्तरीय खादी एवं ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का शनिवार को समापन हो गया। इस मौके पर प्रदर्शनी में पहुंचे मंडलायुक्त यशवंत राव ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, साथ ही कारीगरों से बातचीत भी की। समापन के मौके पर खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन कराया गया, जिसमें शहर के ही मशहूर शायरों ने काव्य पाठ कर समा बांध दिया। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कवि सम्मेलन में वरिष्ठ नवगीतकार महेश्वर तिवारी ने बांध लो अपनी भुजाओं में नए दिन सा, आंधियों की एक आकांक्षा, बादलों का एक खालीपन से काव्य पाठ की शुरुआत की। इस दौरान मक्खन मुरादाबादी, डॉक्टर अजय अनुपम, डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय, वीरेंद्र सिंह ब्रजवासी, योगेंद्र वर्मा व्योम ने भी काव्य पाठ किया। मंडलायुक्त यशवंत राव ने अपने संबोधन में युवाओं से अपील की कि वह रोजगार की शुरुआत गांव से ही करें, जिसमें गांव का भी विकास हो सके। उन्होंने खादी प्रदर्शनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये प्रदर्शनी मील का पत्थर साबित होगी। खादी पर डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने कहा कि यह एक विचारधारा है। गांधी जी का सपना था कि हम खादी को अपनाकर कटुर व लघु उद्योग को बढ़ावा दें। इस मौके पर खादी व ग्राम उद्योग अधिकारी गजेंद्र सिंह ने खादी को बढ़ावा देने के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। राष्ट्रीय खादी ग्राम उद्योग फाउंडेशन के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा सुशील शर्मा, ऋषि पाल, नवनीत चौधरी भी मौजूद रहे। जितने भी इसके आलमगर दुकानदार भाई हैं, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम में। इस प्रदर्शनी का जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामोद्योगी जो हमारे उत्पाद हैं खादी और ग्रामोद्योग, उनका प्रचार हो, उनका सभी लोगों तक उनकी जानकारी पहुंचे, साथ ही साथ उनकी बिक्री भी हो। ये प्रदर्शनी 6 जनवरी से प्रारंभ की गई थी, आज इसका समापन है और बड़े हर्ष का विषय है कि इस अवसर पर हमारे बीच में मंडलायुक्त महोदय हैं। ये खादी ग्राम उद्योग अधिकारीगण, मंचासी कलम के महारथीगण, हमारे समक्ष विराजमान इस मंडल के सम्भ्रांत नागरिक बंधुओं, देवियों, सज्जनों एवं लोकतंत्र के सजग प्रहरी चौथे स्तंभ पत्रकार भाइयों, आज हम खादी ग्राम उद्योग की इस प्रदर्शनी में एकत्रित हैं। गांधी जी का एक वाक्य जो गांधी आश्रम के झोले पर पहले लिखा मिलता था, खादी वस्त्र नहीं विचार है। ये बहुत पहले की बात है, कंधे में लटकने वाला झोला चरखा बना होता था, ये शब्द लिखा होता था, तब समझ में नहीं आता था